गाजियाबाद से हैं आशा जी, स्वागत है आपका नमस्कार। जी। नमस्कार मैम। अश्विन जी को नमस्कार। जय हिंद आशा जी, आपका स्वागत हमारे प्रोग्राम में। अश्विन जी, हाँ, मेरे बेटे को है ना टेस्ट करवाया तो उसको किडनी में वो निकला है इन्फेक्शन, तो जी उस और परेशान था वो कई साल से है, 10-15 साल से है पेट से परेशान, और अब उसने टेस्ट करवाया जब तो अब किडनी में उसको इन्फेक्शन निकला है, तो ठीक उसके है लिए ठीक है। अब हाँ अच्छा देखो, बड़ा अच्छा अच्छा नुस्खा नहीं। है, बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप लिख लें और इस्तेमाल करें। अलसी तो आप जानते ही हैं, अलसी तिलहन में से होती है। अलसी को ले लें, 200-300 ग्राम खरीद लें, साफ ज़रूर कर लेना भाई। मान लो उसमें कंकर वंकर बहुत मिला के देते हैं, नहीं तो वो कंकर आएंगे तो बच्चा खा नहीं पाएगा। तो अलसी को 200-300 ग्राम खरीद कर ज़रा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, रख लें। अब एक आता है नमक जैतून, असली लें। देखिए, जो जो भी चीज़ मैं बताऊं, अगर असली कोई भी लेगा तो उसको फ़ायदा मुमकिन है, नकली लेगा मुझे नहीं पता, वो आप जिम्मेदार, असली की जिम्मेदारी आपकी। नमक जैतून आता है, देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये उसकी पहचान है। नमक जैतून अलग लें, एक चुटकी, जितनी बड़ी चुटकी है ये चुटकी कहता हूँ मैं, 2 गिलास पानी मिला दें, और आधा चम्मच से 1 चम्मच तक अलसी खाएं, और ये पानी 2 गिलास नमक जैतून मिश्रित जो पानी है ये पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। उनके इन्फेक्शन और पेट के परेशानी, एसिडिटी की परेशानी, कब्ज़ और किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन, और बवासीर तक को इसमें फ़ायदा होता है। आप लगातार बच्चे को दें, और आप माँ हैं, दुआ करें, आपके बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी।